देवास के स्वर्गीय तुकोजीराव पवार विज्ञान महाविद्यालय को स्थानांतरित कर देवास के मेंड की धाकड़ में किया जा रहा है, जिसके विरोध में साइंस कॉलेज के छात्रों ने NSUI के नेतृत्व में यहां पर महा आंदोलन किया। इस दौरान छात्रों कॉलेज से निकलकर सयाजी द्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर वहां मौजूद नहीं थे। इस दौरान SDM प्रदीप सोनी एवं वहां पर यातायात DSP किरण शर्मा से चर्चा के बाद उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया। छात्रों का ये कहना है कि जब 70% से ज़्यादा छात्र ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ऐसे में देवास से दूरस्थ 12 किलोमीटर दूर जहां के छात्रों को क्यों किया जा रहा है, क्या शहर में जगह नहीं है। छात्रों का ये भी कहना है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो हमें शहर में पढ़ने के लिए आना है, लेकिन आप फिर हमें गांव पहुंचा रहे हैं। महाविद्यालय में 3000 के करीब छात्र मौजूद हैं। बताइए, आज आपने किस उद्देश्य पर ज्ञापन दिया? NSUI द्वारा आज रैली निकाली गई, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य था, जो हमारा साइंस कॉलेज जो मेन की धाकड़ 13 से 14 किलोमीटर दूर से हो रहा है, उसके विरोध में आज NSUI द्वारा साइंस कॉलेज से लेकर सयाजी द्वार तक पैदल मार्च निकाला गया, और उसमें हमने सयाजी द्वार पर 2.5 से 3 घंटे चक्का जाम किया है, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो NSUI द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहाँ पर आपको प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिए गए? AGM साहब आए थे वहाँ पर, AGM साहब ने बताया है कि कल बुलाया हमें, कलेक्टर साहब देवास में मौजूद नहीं थे, उन्होंने बोला कल 10 जनों की हमें टीम बुलाई है, NSUI कार्यकर्ताओं को कल बैठते हुए मुलाकात होती है, जो भी कलेक्टर साहब से आदेश आता है उसका हम देखते हैं, अगर कॉलेज यहीं रुकता है तो उसका स्वागत करेगा, अगर कॉलेज नहीं रुक पाता तो उसका फिर आगे से उग्र आंदोलन किया जाएगा, उसी समय की जिम्मेदारी कॉलेज और प्रशासन की रहेगी। आपका शुभ नाम? अर्षद गौड़, जिला अध्यक्ष NSUI।